कोटा में इन दिनों बारिश का दौर जारी है। कोटा में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। वहीं दूसरी ओर बारिश इटावा के किसानों के लिए आफत बनकर बरसी है, जब खेतों में पानी भरने से सोयाबीन और उड़द की फसलें खराब हो गई। क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते किसानों के अरमान पूरी तरह टूट गए। किसानों ने बताया कि हरिनगर, आड़ा गेला, गंडावर्द व शहनावादा क्षेत्र में हजारों बीघा की कृषि भूमि पर जलभराव हुआ है, जिसके चलते सोयाबीन और उड़द की फसल चौपट हो गई है। आपको बता दें कि इटावा सहित क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 139 mm बारिश पीपलदा में रिकॉर्ड हुई है। पिछले 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है। यहाँ पर अतिवृष्टि के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं दूसरी ओर किसान, जिन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत के साथ खेतों में फसल तैयार की थी, जल भराव के चलते अब फसलें चौपट होने के कगार पर हैं। हम इटावा क्षेत्र की बात करें तो इटावा क्षेत्र में पिछले 40 साल के ऐसी बारिश देखी नहीं गई है। दो दिन में 906 इंच से ज्यादा बारिश हुई है, जिसके चलते हर व्यक्ति परेशान और किसान हताश नजर आ रहा है। हम इटावा क्षेत्र में जहां किसानों की पीड़ा जानने पहुंचे हैं, जीरो ग्राउंड पर, हरिनगर आड़ा गेला की बात करें तो यहां पर खेतों में इस समय काफी संख्या में 6 से 7 फीट तक पानी भरा हुआ है, जिससे फसलें गल चुकी है। हरिनगर के हम कुछ किसानों से बात करेंगे, उनकी पीड़ा जानेंगे कि अभी क्या हालात है। हरिनगर में जैसे जलभराव की स्थिति है, तो अभी फसलों की क्या स्थिति है? फसल गड़बा का गार बस और बहुत बार नुकसान बरसात। ये ऐसी अतिवृष्टि या ऐसे हालात हर साल ही होते हैं या इस साल हुए जी? न सीएडी विभाग ध्यान दे ड्रेना खुदाई में, न प्रशासन ध्यान दे। तो आपने किसी नेताओं को या किसी अधिकारियों को अवगत करवाया इस बारे में? सीएडी विभाग अवगत कराया जाए। ग्राउंड पे यहाँ पे कोई अधिकारी पहुंचे हैं आपके हाल जानने के लिए? कोई ना है यहाँ पर, कोई आर्मी नकी कहीं भी। ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक कोई अधिकारी, कोई नेता जीरो ग्राउंड पे नहीं पहुंचे हैं। कुछ और किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या स्थिति है खेतों में, अभी क्या स्थिति है। स्थिति ये सब सोयाबीन गड़बा की स्थिति में 2,500 बीघा जमीन साल की गणच, पानी का निकासी सारी बंद कर लीजिए, कोई प्रशासन कोई भी ध्यान न दे। 10 साल सुध में करिया जा कोशिश, कोई भी ना आ रही, यहाँ 4-4, 5-5 फुट पानी भरी हुई है, सारी निकासियां रोक रखी है। मुख्य समस्या क्या है जलभराव को लेकर? मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या यही है कि पानी की निकासी हो, तो उसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? ड्रेंगा की सफाई होगी, कोई ना रोक रखी छो की करवाओ, जो सरकारी जमीन में ड्रेंगा चो वही बूझ रखी छो लोग तो निकासी पानी की। किसान साहूकारों से कर्ज लेके बड़ी मेहनत से अपने फसल तैयार करता है, लेकिन प्रकृति की मार के आगे बेबस हो जाता है। तो वहीं राज से आस होती है, लेकिन राज भी अब ध्यान नहीं दे रहा है। कुछ किसान और मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि कोई अधिकारी जीरो ग्राउंड पे आके आपके हालचाल पूछता है या नहीं पूछता है, कैसे स्थिति बन जाती है हर साल। मैं बरनाली से हूँ, हरिनारायण कुशवाहा। देखो यह तो बहुत समय से लंबा समय से चल रहा है। पहले अवगत भी कराया था सीएडी विभाग एक्शन साहब को, सांसद साहब को, विधायक महोदय को, सभी ने आके देखा भी है, स्थिति को जानते भी हैं और आश्वासन भी दिया है कि गर्मी में आने पर आपके ड्रेनेज की व्यवस्था कर दी जाएगी। लेकिन अभी अभी समस्या तो अभी है, अगर अभी भी निकासी हो जाए पानी की तो बहुत सारी फसलें बच सकती हैं। किसानों का कहना है कि अभी भी कुछ समय बचा है, अगर राज अधिकारी ध्यान दे तो क्या पानी की निकासी हो सकती है, किसानों की जो फसल है वो बचाई जा सकती है। कुछ किसान और हैं हमारे साथ, एक पावड़ा लेके खड़े हैं, इनसे पूछते हैं अभी क्या स्थिति है खेतों में। पूरी फसल बर्बाद होगी, किसान परेशान थे, कोई भी शादी ब्याह करना चाहे 30-30 साल का बच्चा बच्ची घूम रहे थे, शादी न कर पा रहे, 10-20 साल जन्म हो नड़स पानी से बढ़ रही रोक रहा क्यों से। बहुत सा किसान ऐसे आज पावरफुल थे, जमींदार आदमी थे, जहाँ ड्रेना वगैरह सब बंद कर रहा, मकान बना लिया ड्रेना में, तो अब ऐसे ही कोई ध्यान नहीं दे रहा, उल्टा उल्टा अभी एक आदमी कुछ लड़ाई लड़ाऊ, तो यहाँ तो ड्रेना पानी की निकासी चाहू चे कुल मिला पूरा ड्रेना, जहाँ भी वहाँ सरकारी उचित व्यवस्था जहाँ भी दिख रही हो जहाँ कराई जाओ। तो हरिनगर में मुख्य समस्या ड्रेन की है, जो ड्रेन के अभाव के चलते खेतों से पानी की निकासी नहीं हो पाती है और जो फसलें हैं वो चौपट हो रही हैं। किसानों का कहना है कि अभी भी समय है, अधिकारी और नेता ध्यान दे तो पानी की निकासी हो जाएगी और फसलों का बचाव हो सकता है।